मेरे भगवान सारे कार्यकर्ता जिंदाबाद, पूज्य संत शक्ति जिंदाबाद। ओ भाइयों, जो शोर मचा रहे हैं, जो शादीशुदा है उनके प्रति मेरी सहानुभूति है, कुंवारे उनको शुभकामनाएं, लेकिन अभी कोई शोर मचाएगा उसको विद्या की सोगन लगेगी, इसलिए चुप हो जाओ। आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के, सबसे बड़े प्रदेश के संगठन की सर्वोच्च जिम्मेवारी पर चित्तौड़ के लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय सीपी जोशी जी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। मैं सीपी जोशी जी को हृदय की गहराइयों से उनका आत्मिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आपसे भी गुजारिश करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ, करतल ध्वनि के साथ, गगनभेदी नारों के साथ में उनका स्वागत करें। आज इस मंच को हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी सुशोभित कर रहे हैं, हमारी सह प्रभारी आदरणीय विजया राहटकर जी, हमारे दोनों केंद्रीय मंत्री, कोर समिति के सभी सदस्य, हमारे अग्रज आदरणीय महेश शर्मा जी, आदरणीय ओम प्रकाश माथुर जी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की परंपरा के सभी पूर्व अध्यक्षगण यहां पर उपस्थित, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मैं आप सबका इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। मैं चूरू जिले के एक छोटे से किसान के घर में पैदा हुआ और जिस दिन जयपुर शहर में कदम रखा, महाराजा कॉलेज में जब एडमिशन लिया, उस पोर्च पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य के नाते अपना जीवन शुरू किया। वो दौर था विपक्ष की राजनीति का, वो दौर था श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन का, वो दौर था कश्मीर के आंदोलन का, वो दौर था बोफोर्स के आंदोलन का। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मेरी पहली पाठशाला बनी जिसने मुझे संस्कार दिए, प्रेरणा दी। माता पिता के बाद मेरी दूसरी पाठशाला थी जिन्होंने मुझे सतीश पूनिया के रूप में खड़ा किया। मुझे सौभाग्य मिला भारतीय जनता युवा मोर्चा के रूप में काम करने का। महामंत्री और अध्यक्ष के नाते दोनों बार की कार सेवा और कश्मीर के आंदोलन में सेंट्रल जेल तक का सफर मैंने तय किया। बोफोर्स के भ्रष्टाचार के उस आंदोलन की पुलिस की लाठियां आज भी दर्द करती हैं। लेकिन मित्रों, कार्यकर्ता साथियों, मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय अमित शाह जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को, एक किसान परिवार में जन्मे एक कार्यकर्ता को उन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। मैं इन पिछले सवा तीन वर्षों में जिस तरीके से आप सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरा मन करता है कि मैं कार्यकर्ता रूपी भगवान को मैं नमन करूं, प्रणाम करूं, अभिनंदन करूं। और इसलिए मैं आप सबका आत्मिक अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोगों ने यदि हौसला नहीं दिया होता तो मैं जब अध्यक्ष बना था, मित्रों कई बार संयोग होते हैं, सीपी जोशी जी चैत्र नवरात्रा में अध्यक्ष बने हैं और मैं श्राद्ध पक्ष में बना था। मित्रों, मुझे सब लोग कहते तू श्राद्ध में बना है, तेरी मियाद कितनी है पता नहीं,
अब गया तब गया, लेकिन मुझे किसी ज्ञानी ने कहा कि तुझे पितरों का आशीर्वाद है और उन पितरों के आशीर्वाद ने इतनी ताकत दी कि दो दो बार कोरोना से लड़ाई हुई, जिंदगी और मौत की जंग लड़ी, लेकिन मेदांता हॉस्पिटल से आपकी दुआओं से जीत कर वापस मैदान में आया। मित्रों, कोरोना के उस कालखंड को कौन भूल सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सेवाई संगठन के संकल्प को आगे बढ़ाइए। एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन आपका यह कार्यकर्ता उस चुनौती को स्वीकार करके राजस्थान के 2 करोड़ लोगों तक भोजन, राशन और इलाज की सुविधा हम लोग करवा पाए, और इसी सेवाई सेवाई संगठन के पराक्रम से हम लोगों ने राजस्थान में कोरोना का हराया। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट कहती है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन था जिसने सरकार से भी आगे बढ़ के और कोरोना को हराकर राजस्थान की जनता को सहूलियत दी। मुझे अफसोस भी है कि जब दूसरी वेव आई थी, हमारे 685 कार्यकर्ता शहीद हो गए कोरोना में सेवा करते वक्त, मध्यम वर्ग के परिवारों के वो लोग। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, मुझे अखबार के लोगों ने कहा कि आपका कार्यकाल पूरा हो गया तो आपको कैसा महसूस हो रहा है। मैंने कहा एक अंग्रेजी का शब्द है, जॉब सेटिस्फेक्शन। हम सब ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी की शक्ल को केवल नारों की नहीं, राजस्थान की इस मरुधरा पर सरोकारों की पार्टी बनाकर हमने समाज के रचनात्मक पक्ष को छुआ है। मित्रों, मुझे इस बात की खुशी है, हम सब साथियों की बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन 52,000 बूथों से लेकर 50,000 बूथ तक भारतीय जनता पार्टी का एक सशक्त संगठन मजबूती के साथ खड़ा है। मित्रों, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, इस राजस्थान की धरती पर इस कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से कर्जा माफी का ढोंग रचा, बेरोजगारों के साथ वादा खिलाफी की, कानून व्यवस्था को ध्वस्त किया और भ्रष्टाचार की गंगा बहाई, ये पहली सरकार थी जिसमें 9 लाख मुकदमे दर्ज हुए, 17 बलात्कार रोज हुए, 7 हत्याएं रोज हुई। इस राजस्थान की धरती पर उन किसानों से जो वादा खिलाफी की, राजस्थान का 60 लाख किसान 1,20,000 करोड़ के कर्जे की माफी की आस में था, 200 से ज्यादा किसानों की आत्महत्याएं हुई, 18,000 किसानों की जमीन नीलाम हो गई। मित्रों, 28% बेरोजगारी राजस्थान की धरती पर, और राजस्थान के 10,000 नौजवानों ने आत्महत्या कर ली बेरोजगारी और दूसरे कारणों से। मित्रों, क्या ऐसी सरकार को आप बदलना नहीं चाहोगे? क्या ऐसी सरकार को बर्खास्त नहीं करोगे? जनता की अदालत में बर्खास्त करने का यही समय है, सही समय है मित्रों। और इसलिए जो तीसरा पक्ष था, हम 3 पक्षों पर काम करते हैं, हम संगठन की रचना के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, हम रचनात्मक काम को अपना हिस्सा बनाकर आगे बढ़ते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो हम आंदोलन को अपना धार बनाकर, अपना ढाल बनाकर, अपना हथियार बनाकर जनता के हितों के लिए लड़ते हैं। इन तीनों ही आयामों पर, पेपर लीक से लेकर बेरोजगारी तक, कानून व्यवस्था से लेकर भ्रष्टाचार तक, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता योद्धा बनकर इस सरकार से लड़ा। और इसलिए कार्यकर्ता साथियों, ये 3 चुनौतियां थी, हमने संगठन को दुरुस्त किया, हमने सेवा का पराक्रम किया, हमने धरती पर आंदोलन के जरिए राजस्थान की जनता के बीच में अलख जगाने का काम किया। इसलिए मित्रों, यही कारण है कि जनाक्रोश अभियान ने, मुझे खुशी हुई कि हमारे जैसलमेर के जिलाध्यक्ष ने कहा कि हम 206 गांव में गए। आप कल्पना कर सकते हो, जैसलमेर जैसे सीमावर्ती क्षेत्र में जनाक्रोश यात्राओं ने ढाणी ढाणी अलख जगाने का काम किया। हम 2 करोड़ लोगों तक गए, 64,000 सभाएं हुई, 5 लाख कार्यकर्ता जुटे, और इन सभाओं ने राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की ताबूत में आखिरी खील ठोकने का काम किया। मित्रों, और इसलिए मैं कह सकता हूं,
राजस्थान में राज बदलता है जनधारणा से, परसेप्शन से, राजस्थान में राज बदलता है एंटी इनकम्बेंसी से, राजस्थान में राज बदलेगा मोदी जी के नाम और काम से, राजस्थान में कांग्रेस के अंतिम कील ठुकने का काम करेगी जनाक्रोश यात्रा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि राजस्थान के असंख्य कार्यकर्ता अपने पसीने के परिश्रम की बूंदों से इस राजस्थान की सरकार को, कांग्रेस पार्टी को हमेशा के लिए विदा कर देंगे। मित्रों, जब मैं ये बात कह रहा था तो मुझे अखबार के लोगों ने कहा कि आपने सारे काम कर दिए तो सीपी जोशी के लिए क्या छोड़ा। मैंने सीपी जोशी जी के लिए छोड़ा है क्योंकि मैं तो श्राद्ध पक्ष में बना था, ये नवरात्रा में बने। सीपी जोशी जी के लिए हमने काम छोड़ा है, इनके जिम्मे छोड़ा है, इनके नेतृत्व में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे, अजेय बनाएंगे और अभेद्य बनाएंगे। आने वाले वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी हमेशा शासन करेगी। मैं मंच के तमाम नेताओं को एक बार फिर प्रणाम करता हूं कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को मंच के एक एक नेता ने जो सहयोग किया। कुछ लोग कुछ वजह से नहीं आ पाए, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय वसुंधरा जी, आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी और कुछ हमारे सांसद संसद के जरूरी काम से नहीं आ पाए, लेकिन मैं इनका ऋणी हूं, कृतज्ञ हूं। एक किसान पुत्र इनके चरणों में प्रणाम करता, नमन करता है बारंबार कि मुझे जो सहयोग किया। 3.25 वर्षों में मित्रों मुश्किल होता क्योंकि परिस्थितियां प्रतिकूल थी, परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल नहीं थी। मैं लड़ पाया और मैं संगठन का ये काम कर पाया तो मैं तो किंचित गिलहरी की तरह एक अंश था। लेकिन मित्रों, इन सब लोगों के आशीर्वाद के बिना यह संभव नहीं था। लेकिन मैं इनसे पहले आपके चरण पूजता हूं कि यदि कार्यकर्ता एक नेता को, अपने एक वरिष्ठ कार्यकर्ता को, मुख्य कार्यकर्ता को यदि सम्मान और स्वाभिमान नहीं देता तो शायद यह संभव नहीं था। और इसलिए मैं बार बार मैं तो आपको मोदी जी की स्टाइल में नमन करने की इच्छा है मेरी।